जब जब किसी से किसी को कोई परेशानी होती है तो उसके लिए वह पुलिस के दरवाजे पर दस्तक देता है और पुलिस से शिकायत करता है। लेकिन मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए स्पेशल महिला डेस्क बनाई गई है, जिस पर जिस महिला को अगर कोई शिकायत हो तो वो महिला डेस्क में जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। लेकिन जब शिकायत न लिखी जाए तो आप क्या कहेंगे? अगर पुलिस यह आस रखे कि जो पीड़ित शिकायत दर्ज कराने आए हैं अगर वो उन्हें पैसा दे, उन्हें रिश्वत दे, तो आप क्या कहेंगे? ये हम नहीं कह रहे बल्कि एक महिला ने ऐसे आरोप लगाए हैं। मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली थाने से आया है, जहां पर एक पीड़ित महिला अपने परिजनों के साथ थाने रिपोर्ट लिखाने पहुंचती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। आरोपी पक्ष को बचाने के लिए पीड़ित महिला पर दबाव बनाया जाता है, उसे थाने से भगा दिया जाता है। यह बात हमें उस पीड़ित महिला ने बताई है। अभी तक रैली में और कहां गई थी? सागर। कितने दिन से भटक रही हैं आप? तीन दिन से। मैडम का कहना क्या है? वो मैडम मैडम क्या बोल रही? मैडम रिपोर्ट नहीं लिख रही। मैडम रिपोर्ट नहीं लिख रही? कहाँ का मामला है? कहीं भी चले जाओ, रिपोर्ट नहीं लिख रही। ठीक है। बेबस महिला बेबस होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। महिला का आरोप है कि उसे एक बेहद संगीन मामले में पुलिस से रिपोर्ट लिखवानी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। शिकायत की है रहली थाने में, उस दिन बोली कि तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाए, 8 बजे तक बैठे बैठे ही भगा दिया। वहाँ से उन्होंने 100 नंबर लगवाया, उसको घर छोड़ दिया। और आज रिपोर्ट करवाने आई तो सामने वाली से बोली उसका राजनीमा हो गया, रिपोर्ट नहीं होगी। इसलिए हमारी पत्नी पागल है, इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। कौन बोल रहा था ऐसी? मैडम जी। कहाँ की मैडम बोली? ये प्रतिमा मैडम, प्रतिमा मिश्रा है वो। तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, हमने जबरदस्ती की कि हम उन लोगों ने पैसा दिए हैं। तो बोली कि तुम्हारे पास पैसे हैं, देखे हैं? हमने कहीं नहीं देखी साहब। और कितने पैसे की मांग कर रहा था? कोई मांग कर रहा था क्या पैसे की? पैसे मांग नहीं किया था, लेकिन एक सिपाही बोल रहा कि तुम्हारी एक 354 धारा में रिपोर्ट हो जाएगी, खर्चा लगेगा 2000 रुपया, 1000 दोगे। आपसे बोला इनसे? हमसे बोला। आप इसकी से? लेकिन हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से यह गुजारिश करेंगे कि जरा इन थानों की तरफ आप नजर डालिए, जिन थानों में गरीबों की बात नहीं सुनी जाती, जो लोग बेबस हैं और फिर वह अपने घर ऐसे ही लौटते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। हम सागर के SP महोदय से भी यह गुजारिश करेंगे कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश में महिला हेल्प डेस्क खोले गए हैं, लेकिन अगर उन पर भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करता है तो फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि यह मामला बेहद संवेदनशील है, जिसमें अब कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज, रहली। MI मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं। साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 9329।